सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे और घर के अंदर होंगे। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। और गाइज, आज इस सेशन में अपन एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो बिल्कुल देरी नहीं करते, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। देखो यार, आज अपन एक्सरसाइज 3.1 लगाने वाले हैं, है ना। बट जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में, मैथमेटिक के वीडियोस में क्या कराता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, देन अपन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से आज का सेशन भी हमारा चालू होगा, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल देरी नहीं करते, अपने कंप्यूटर स्क्रीन भी चलते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का ये टॉपिक है। ओके, सो यार अपन आज क्या कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को पहले देख लेते हैं, देन अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो देखो यार, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स वाले है ना। हमें पता है किसी भी एलजेब्रिक, देखो एलजेब्रिक जितने सारे इक्वेशंस दिखते हैं ना, ये सबको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और हर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो, इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म, दो टर्म है। तो याद रखो, जो टर्म होते हैं ना, जो टर्म्स जिन्हें कहते हैं, वो दो चीज़ से मिलकर बनते हैं, एक कॉन्स्टेंट होता है उसमें और वो उसमें एक वेरिएबल रहता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट यानी नंबर्स होंगे और वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट्स होंगे। तो देखो, अगर 2x के देखा जाए तो 2x में कांस्टेंट क्या है, 2 है, और वेरिएबल क्या है, x है, क्लियर हो गया। वैसे ही अगर 3 की बात कर ले तो 3 में कांस्टेंट क्या है, 3 है, और वेरिएबल क्या है, x का पावर 0, दैट इज द वेरिएबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी नो डैट किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो घुमा फिरा के इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो टर्म किससे मिलके बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया, वेरिएबल भी समझ गए, अल्फाबेट्स को अपन कहते हैं, है ना। तो अपन इस चैप्टर में टू वेरिएबल वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मतलब एक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स का होगा, एक वाई का होगा, एक पी का होगा, एक क्यू का होगा, एक ए का होगा, एक बी का होगा, है ना। इस तरीके से अपन देखेंगे। तो आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है इनमें से कि यार कौन सा लीनियर, कौन सा वन वेरिएबल वाला है और कौन सा टू वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, है ना। तो अगर पहले क्वेश्चन को देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें सिर्फ एक्स ही एक ऐसा वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। किसका है? वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अपन इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। सेकेंड जो है इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये भी वन वेरिएबल का है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 3y-4 इज इक्वल टू 26, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, डेट इज y, तो ये भी वन वेरिएबल का हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 1/2x, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है, सो ये दो वेरिएबल का हुआ, है ना। तो अपन को इस तरीके के क्वेश्चन ही इस चैप्टर में करने हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, 3x+4y इज इक्वल टू 20, ये इसमें भी x है y है, तो ये भी दो वेरिएबल का हुआ, है ना। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी x है y है, ये भी दो वेरिएबल का हुआ। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी x है और y है, ये भी हमारा टू वेरिएबल के क्वेश्चन हुए। इतना क्लियर हो गया, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के इक्वेशन को समझ जाओगे ना अब देखकर। नाउ अब अपन टू जो जनरल इक्वेशन देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाले जो इक्वेशंस होते हैं उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, उनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो उनका जनरल फॉर्म है ax+by+c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b, c आर सम इंटीजर्स, ठीक है। ये चीज जनरल इक्वेशन है, इसको माइंड में एकदम अच्छे से सेट कर लो। नाउ चलिए चलते हैं आगे, अगला जो हमारा पेज है डेट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारा यही है जिसका जनरल इक्वेशन हमने देख लिया है ax+by+c है, a एंड b आर नॉट बोथ 0, ठीक है। दोनों में से अगर दोनों एक साथ अगर 0 हो गया, देन वो फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहलाएगा, यानी तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ
अब देखो जितने भी इक्वेशंस होते हैं, चलो हमने मैं ऑलरेडी से पहले वाले भी चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया है, जितने भी अल्जेब्रिक इक्वेशंस होते हैं ना, उन हर इक्वेशन का ना एक कर्व होता है, किसी की स्ट्रेट लाइन होता है, किसी का पैराबोला होता है, किसी का हाइपरबोला होता है, किसी का जिगजैग कर्व, तो हर इक्वेशन का ना कुछ ग्राफ में कर्व होता है, कुछ ना कुछ हर इक्वेशन का कुछ ग्राफ होता है, इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो यार अपन इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, है ना। तो देखो एक चैप्टर स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जो आप क्लास नाइन्थ में थोड़ी सी चीज़ें पढ़े हो। यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास नाइन्थ में डेट गिवन टू लाइन इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। अगर किसी एक प्लेन में सिंगल प्लेन, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये एक प्लेन हुआ, इस प्लेन को अपन बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना। तो इस प्लेन में अगर दो लाइन है, एक लाइन और दो लाइन, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज को ही सिर्फ फॉलो कर सकती है। क्या क्या? पहला है द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। पहला केस हो सकता है कि दोनों लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट हो किसी एक पॉइंट पे। दूसरा केस हो सकता है वो इंटरसेक्ट ना हो, दे आर पैरेलल हो, दूसरा केस कि दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं। और तीसरा केस हो सकता है द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। तीसरा केस है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी जैसे एक लाइन इस तरीके से बना है, इसी में दूसरा लाइन भी बना हुआ है लाइक दिस, है ना, इसी के ऊपर, तो दैट इज कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नाउ एक्सरसाइज 3.1 को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, आपको इस पहले क्वेश्चन से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, अगर ये सेशन को आपने मिस किया देन आगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो यार एक क्वेश्चन है कि आफ्ताब जो है अपने डॉटर से कहता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, है ना। आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा जो एज था उस एज से 7 गुना ज़्यादा एज मेरा था, ऐसा कहना था इसका। उसके बाद कहता है फिर से एक लाइन और कहता है कि आज से 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद यानी फ्यूचर में आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आज से 3 साल बाद फ्यूचर में तुम्हारा जो एज होगा उसके 3 गुना ज़्यादा एज मेरा होगा, ठीक है। इसी इक्वेशंस को आप इसको एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को लिखिए, साथ ही साथ इसको ग्राफिकली भी लिखना है, ठीक है। चलिए तो पहले तो एल्जेब्रिक इक्वेशन अपन रेडी करते हैं, देन उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन प्रेजेंट एज को ले लेते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का अभी का एज मान लेते हैं एक्स हो गया, क्लियर है। उसी तरीके से हिज डॉटर एज कितना अपन वाई ले लेते हैं, नॉट लाइक दैट, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, है ना, प्रेजेंट एज, इसको अच्छे से लिख दिया जाए, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, है ना, वाई ले लेते हैं। तो अभी प्रेजेंट एज आफ्ताब का हमने एक्स मान लिया है और उसकी डॉटर का हमने वाई मान लिया है। नाउ 7 ईयर एगो, नाउ 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज विल बी कितना हो जाएगा भाई, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। और उसका डॉटर का एज, उसके डॉटर का एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई माइनस 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, है ना, अपनी डॉटर कह रहा है मैं 7 गुना ज़्यादा था। तो यानी आफ्ताब का एज जो है एक्स माइनस 7 वो 7 गुना ज़्यादा है किसके एज से, आफ्ताब के डॉटर का, ये बना, है ना। तो आओ इसको अब ठीक किया जाए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुधारते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7y माइनस 7 जो 49, ये आ गया, है ना। अब x इसको एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या होता है जनरल फॉर्म, दैट इज ax + by + c = 0, इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, है ना।
या फिर सी को आप इधर भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है। तो देखो अपन करते हैं, तो सेवन वाई को इधर ले आते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस सेवन वाई, है ना, और माइनस सेवन जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस फोर्टी नाइन प्लस सेवन, ये आ जाएगा एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू 42 माइनस में, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, केस वन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। नाउ फिर आई कह रहा है कि थ्री ईयर फ्रॉम नाउ, है ना, थ्री ईयर फ्रॉम नाउ, तीन साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी तीन साल बाद यानी फ्यूचर में, तो x प्लस सेवन कहला हो जाएगा, और उसकी डॉटर का एज कितना हो जाएगा, उसकी डॉटर का एज कितना हो जाएगा, इट इज़ y प्लस सेवन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि I शैल बी तीन गुना, थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है। तो आफ्ताब का जो एज है x प्लस सेवन वो तीन गुना ज़्यादा है किसके एज से, उसकी डॉटर के एज से, है ना। चलिए ये हो गया, आगे सॉल्व किया जाए इसको अच्छे से, x प्लस सेवन इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस सेवन, थ्री जे ट्वेंटी वन, तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस सेवन, तो x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, ओह मिस्टेक, थ्री टाइम्स बोला ना, तो अपन ने यहाँ पे सेवन लेके क्यों किया, थ्री होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे थ्री होगा, ये मिस्टेक, ये इसको ठीक करो, थ्री देन यहाँ पे थ्री, और थ्री थ्री जे नाइन आ जाएगा, यहाँ पे नाइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नाइन माइनस थ्री विच इज़ इक्वल टू सिक्स, ओके। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ यार फर्स्ट काम तो हमने निपटा लिया, पहला काम तो हमने निपटा लिया, क्या कर लिया हमने, इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन सिचुएशन जो है वो हमने रेडी कर लिया, दो इक्वेशन बना। नाउ इसको अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करें, देखो बड़ा अच्छा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वन बाई वन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो फॉर फॉर x माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू के लिए अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, है ना, इस तरीके से छोटा सा टेबल बनाएंगे, सिर्फ क्योंकि हमें पता है कोई भी लाइन दो पॉइंट्स बन जाता है, तो अपन एक लो लिखते हैं x, नीचे को लिखते हैं y, ठीक है। अब अपने से कुछ भी ले सकते हो, है ना, जैसे मान लो अगर मैं x को जीरो ले लूँ, तो अगर x को यहाँ पे जीरो ले लूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे साइड में पुट करके देख लो, x को जीरो ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, है ना, दिया जाएगा y इज इक्वल टू फोर्टी, माइनस माइनस कट जाएगा, फोर्टी टू अपॉन सेवन डेट इज सिक्स, y की वैल्यू आ गई सिक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू जीरो ले लें, है ना, y की वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, तो y की वैल्यू जीरो ले लें तो इक्वेशन बन जाए, ये वाला ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस जीरो इज इक्वल, क्योंकि सेवन इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर्टी टू। लेकिन यार इसमें एक लोचा है यार, कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे यार, 42 माइनस 42 बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो अपन जीरो नहीं लेते, ये कंडीशन को अपन थोड़ा सा हटा देते, ये अपने से आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अपन ये कंडीशन हटा देते हैं, जीरो ना लेकर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि वाई की वैल्यू अगर हम सेवन लेते हैं तो एक्स की वैल्यू भी सेवन आ जाएगा, आप पुट करके यहाँ पे देख लो, y की जगह पे 7 पुट करो, 7 7 जो 49 है ना, तो 49 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा दैट इज प्लस 7, तो ये आ गया। नाउ इसी तरीके से फॉर सेकेंड इक्वेशन जो है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, इसके लिए बना लेते हैं, है ना, इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं, तो देखो इसके लिए भी एक टेबल रेडी कर लो, इसके लिए भी मैंने एक टेबल रेडी कर लिया, है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y। देखो ध्यान से, अगर मैं x को जीरो लूँ, इस इक्वेशन में x को जीरो लूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, खुद देखो ना, अगर x की जगह जीरो पुट करूँ तो जीरो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिक्स अपॉन माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये लिख दो यहाँ पे माइनस टू। और y को अगर हम जीरो लें, y को अगर जीरो लें तो x थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, x इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, है ना। तो यार अपने को पॉइंट्स मिल, कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको, ये इस इक्वेशन का भी, फर्स्ट इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डेट इज जीरो कॉमा सिक्स और सेवन कॉमा सेमा सेवन, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए जीरो कॉमा माइनस टू और सिक्स कॉमा जीरो, है ना, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अपन बड़े अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो देखो यार मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक लाइन लिया, है ना, ये मैंने दूसरा लाइन लिया, अब इस पर मार्किंग कर लिया जाए, मार्किंग थोड़ा मेरा क्योंकि स्केल से मैं रेडी नहीं कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इससे ज़्यादा कहीं पे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू दोनों में सेवन है,
ठीक है, तो ये भी 1 माइनस 1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 और -8, ये भी हो गया यार हमारा, है ना। इसी तरीके से ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8, है ना। उसी तरीके से नीचे में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा x एक्सिस है, x और x डैश, और ये हमारा y एक्सिस है, y और y डैश। इतना क्लियर हो गया ना। अब हमें करना है, तो सबसे पहला देखो इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन की लाइन ग्राफ कैसी बनेगी। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, हमने ग्राफ के लिए दो पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये एक निकला 0.6, तो x पे 0, x पे 0 यानी यहीं पे रहेंगे, और y पे 6, x पे 0, y पे 6 यानी ये रहा, पहला पॉइंट मिल गया आपको। इस पॉइंट का नाम है x पे 0, y पे 6, ठीक है। दूसरा है x पे 7, y पे 7, तो x पे 7 और y पे 7, तो अगर x पे 7 को इस तरीके से एक्सटेंड किया जाए और y के 7 को इस तरीके से एक्सटेंड किया जाए तो ये पॉइंट मिल रहा है, यही है अपना 7.7, है ना। ये अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन को क्या करना है, जोड़ देना है इन दोनों पॉइंट्स को। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन जोड़ देते हैं, लाइन लेते हैं और इन पॉइंट्स को अपन इस तरीके से जुड़ जाए। यार थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके, ये लो, ये हमने जोड़ दिया और इसको इस तरीके से। अब सेकंड देखते हैं, इस इक्वेशन के लिए देखते हैं, 0, x पे 0, y पे -2 कहाँ है, ये रहा, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको मिल गया कितना, इस कोऑर्डिनेट का नाम है दैट इज 0, -2। दूसरा है x पे 6, y पे 0, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल गया दिस, दैट इज x पे 6, y पे 0। तो ये तो सेम, दोनों पॉइंट्स को अगर जोड़ दोगे तो ये बन गया इस तरीके से एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट, यही था इस क्वेश्चन का ग्राफ, है ना। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कौन से इक्वेशन का है उसको लिखो, इस लाइन के ऊपर या नीचे लिखो, x -7y = -42 का है, और ये जो रेड लाइन है ये किस इक्वेशन का है, इट इज x -3y = 6 का है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, अब जाकर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को जल्दी से पहले पढ़ लेते हैं, कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls फॉर रुपीज, ठीक है, ये रुपीज लिखा है, रुपीज 3,900, लेटर सी बायज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1,300 रुपये, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो यार स्टार्ट करते हैं, देखो यार अपने को कॉस्ट का वो बनाना है, क्योंकि 3 bats है, 6 balls है, दोनों का कॉस्ट 3,900 है। उसके बाद कुछ देर बाद फिर से उसने खरीदा सिंगल बैट एंड थ्री बॉल, तो अपन लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ बैट, बैट के कॉस्ट को मान लेते हैं एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल के कॉस्ट को मान लेते हैं वाई, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 bats और 6 balls, तो 3x + 6y = कितने का, 3,900 रुपये का, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि another bat यानी सिंगल है, तो x 1 bat + 3 more balls यानी 3y = 1,300 रुपये, ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो एल्जेब्रिकली वाला काम तो हमने निपटा दिया, अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर 3x + 6y = 3,900, है ना, इसके लिए एक टेबल रेडी करते हैं लाइक दिस, ठीक है, दैट इज x एंड दिस इज y। देखो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को किस तरीके से करूँगा, मैं इस इक्वेशन को x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालूंगा इस इक्वेशन से, तो ये 3,900 -6y और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा x का आया, है ना। नाउ अगर अपन x को यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम x को किसी तरीके से यहाँ पे क्या पुट कर दें,
अगर x को अपन 300 पुट कर दें, 300 पुट कर दें, तो y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इस तरीके से करते हैं ना, y की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे 500 पुट कर दें, ठीक है, 500 पुट कर दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300, है ना। उसी तरीके से अगर हम फिर से y को अगर हम 600 पुट कर दें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। कैसे, नहीं समझ में आया? तो देखो हमने क्या किया, हमने एक्स वाई की वैल्यू 500 पुट, अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट कर लो। तो मैंने 500, 3900 माइनस 6 इंटू 500, वाई की जगह पे 500 लिख दो, अपॉन 3, है ना। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो आपका 300 आ जाएगा, दैट इज एक्स की वैल्यू, है ना, मैंने लिख दिया। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, है ना, बट यार कोशिश करना कि एक्स या वाई की वैल्यू जो भी ले रहे हो ना, तो ऐसा ना है कि x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू कुछ 1/2 आ जाए। ऐसे फ्रैक्शन में अगर आ गया कुछ, या फिर ऐसा x की वैल्यू 0 नहीं, x की वैल्यू कुछ भी लेने पे, मान लो कुछ भी लेने पे अगर y इस तरीके से फ्रैक्शन में आ रहा है, या y की वैल्यू कुछ भी लेने से x की वैल्यू इस तरीके से फ्रैक्शन में आ रहा है, देन इसको यार वो वैल्यू को चूज ही मत करना, कोई दूसरी वैल्यू लेना, क्योंकि फिर फ्रैक्शन वाले को ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में नानी याद आ जाएगी, है ना। तो यार थोड़ा सा ध्यान में रख के इस चीज़ को। चलो उसी तरीके से फॉर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 का देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर चला जाएगा, तो 1300 माइनस 3y, है ना। चलो इसके लिए टेबल रेडी कर लेते हैं, इधर x और इधर y। अगर मैं x y को 300 लूँ, y को 300 यहाँ पे लूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 400, और साथ ही साथ अगर हम y को 200 लूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 700, है ना। सेम प्रोसेस, y की जगह पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा दो टेबल बन गया। अब इन टेबल की हेल्प से, इन टेबल की हेल्प से अपन क्या करेंगे, ग्राफ रेडी करेंगे। इन टेबल की हेल्प से अपन अब ग्राफ रेडी करेंगे। तो ये लो मैंने बना लिया ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू है कैसे ग्राफ बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है सर, ग्राफ तो बहुत बड़ा बनेगा। तो देखो ना यार, यहाँ पर जितने भी नंबर है 100-200 इस रेंज में है, तो क्यों ना अपन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 100, फिर 200, फिर मैक्सिमम कितना गया है, 700 तक गया है ना, 300, फिर ये 400, फिर ये 500, है ना, 600 और 700, इस तरीके से बनाओ, 100-100 का गैप बना दो। इसी तरह माइनस 100, इधर माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600 और माइनस 700, है ना। इसी तरह ऊपर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800, है ना। माइनस वाला कोई टर्म तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों टाइम वेस्ट अपन करें। चलिए अब देखते हैं पहला, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए 300 एक्स पे और वाई पे 500, तो एक्स पे 300 यानी दिस और वाई पे 500, तो एक्स पे 300 और वाई पे 500 यानी ये पॉइंट, इस पॉइंट की है 300, 500, ये मिल गया पहला पॉइंट। दूसरा है x पे 100, y पे 600, तो x पे 100, y पे 600, तो x पे 100 और y पे 600 कहाँ है भाई, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये मिल गया, दैट इज x पे 100, y पे 600, है ना। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन में, है ना। दूसरा देखो, अब इसके लिए देखते हैं, x पे 400, x पे 400, y पे 300, x पे 400, y पे 300, है ना। तो ये पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट का नेमिंग कर दो, x पे 400, y पे 300, है ना। और दूसरा है 700 और 200, x पे 700, y पे 200, तो x पे 700, y पे 200, है ना, ये पॉइंट 700 और कॉमा 200, है ना। ये दो लाइन मिले, इनको इस तरीके से ये कर लो, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला लाइन है वो कौन से इक्वेशन के लिए, ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 के लिए इक्वेशन लिख दो। और सेकंड वाला जो है ये लाइन कौन से इक्वेशन के लिए है, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 के लिए। बस कंप्लीट हो गया ग्राफ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। द कॉस्ट ऑफ  2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रैप ऑफ ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी रुपीज 160 रुपये का, और आफ्टर अ मंथ एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रैप रुपीज 300। इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल, है ना,
एप्पल का कॉस्ट को मान लेते हैं एक्स और कॉस्ट ऑफ क्रेप्स को मान लेते हैं वाई, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा यार इक्वेशन पहले केस के लिए, 2x और 1 kg ग्रेप यानी y इज इक्वल टू कॉस्ट 160 रुपये, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4 kg एप्पल यानी 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी 2y इज इक्वल टू 300, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 के लिए, है ना, 160 के लिए क्या आएगी, तो देखो यार यहाँ पे बनाते हैं, टेबल रेडी कर लो, x और इधर y, है ना। अगर हम यहाँ पे x को जीरो पुट करें, x को अगर जीरो पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या आएगा, 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो 2 × 0 हो गया 0, y इज इक्वल टू आ गया 160, तो लिख दो यहाँ पे 160। और अगर हम y को जीरो कर दें, y को जीरो कर दें तो क्या बन जाएगा, y को अगर हम जीरो कर देंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 160, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 160 बाई 2 विच इज इक्वल टू 80, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है फॉर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 के लिए, देखते हैं टेबल रेडी करके, तो ये लो बन गया ये x और ये y। अगर अपन x को जीरो लेते हैं, है ना, इस इक्वेशन में अगर हम x को जीरो ले लें तो क्या बन जाएगा, तो 4 × 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4 × 0 जीरो हो गया, y इज इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 2 दैट इज 150, ये आ गया 150, है ना। उसी तरीके से अगर हम y को अगर जीरो ले लेते हैं, तो y को अगर जीरो ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, y को अगर जीरो ले लेंगे तो 4x तो 2 × 0 जीरो हो जाएगा दैट इज 300, और x की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन 4 दैट इज 2 दैट इज 150, फिर से 2 × 7 = 40 और 2 × 5 = 75, ये आ गया 75। तो हमारा क्या हुआ, ये दो ग्राफ हमारा रेडी हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या करेंगे, हम इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो देखो ये मैंने रेडी कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब अपन मार्किंग कैसे करें कि ये सारे चीजें आ जाए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है इसमें 160, है ना, और ये 80 है, ये 150 है, ये 75 है, यानी 5-5 का अपने को कुछ लेके चलना है। तो किस तरीके से लिया जाए कि यार ये सब आ जाए, है ना, तो 5-5 का लेंगे तो यार बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, तो यार अपन ने जीरो लेकर बड़ी गलती कर दी, जीरो नहीं लेना चाहिए था, कोई और नंबर लेते, छोटे छोटे वैल्यूज आते, अपन ने जीरो लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यार ग्राफ बनाओ, अब बहुत लेंदी ग्राफ बनेगा, है ना। यार अपन फिर भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं, देखो ये 160 ये 80 है, ये 0 0 150 75, अपन ऐसे 20 20 का बना लेते हैं, ये हो गया 20, फिर 40, 60, फिर 80, फिर 100, है ना, फिर 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180, इस तरीके से, है ना। इधर भी ले लेते हैं, इसको कुछ कॉपी करने का जुगाड़ नहीं हो पाएगा, इधर भी -20, अच्छा माइनस वाले टर्म की तो जरूरत ही नहीं है, तो इधर वाले टर्म्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी टर्म माइनस में है नहीं, इसको लेता हूँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, है ना, 140 के बाद 160, यहीं तक मैक्सिमम है, और इधर भी माइनस वाले टर्म तो है नहीं, तो अपन क्यों फालतू में ग्राफ में टाइम वेस्ट करें। चलिए अब अपन बनाते हैं कोऑर्डिनेट, तो पहले फिगर को देखो, पहले कोऑर्डिनेट्स को x पे 0, y पे 160, तो x पे 0 और y पे 160, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट पॉइंट आपको x पे 0, y पे 160। दूसरा है x पे 80, y पे 0, तो x पे 80 और y पे जाना नहीं है, तो दूसरा पॉइंट मिल गया दिस, x पे 80 और y पे 0, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो यार एक लाइन से, ये जुड़ गया, ठीक है ना। अब देखो सेकंड है, इसके लिए देखते हैं x पे 0, y पे 150, x पे 0, y पे 150, 140 और 150 के बीच में यहां कहीं मिलेगा, है ना, तो यहां कहीं मिलेगा, तो इसको बोल देते हैं x पे 0 और 150, है ना, इस पॉइंट को। और दूसरा है 75, x पे 75, तो 60 और 80 के बीच में क्या मिलेगा, 70, और थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो यहाँ पे मिल जाएगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं 75, 0, है ना ये।
अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। Like this. अब यहाँ पे आप लिख दो, ये जो लाइन है ब्लू कलर से दिख रहा है कौन से इक्वेशन के लिए, ये है 4x, है ना, that is 4x plus 2y is equal to 300, है ना, ये इसके लिए है। और वही ब्लैक वाला देखा जाए, ये जो है ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इसके लिए है, ठीक है, दैट्स ऑल, ग्राफ रेडी हो गया है। हमको इतना ही और एक्सरसाइज, इसमें इतना ही क्वेश्चन है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा चालू हो जाएगा, तो उसके लिए अपन एक नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।